मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंभू सर, योर मैथ टीचर। वेलकम बैक टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.2। उस क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन सेवंथ भी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट्स बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सर, 1100 नंबर है, इसमें हम किस नंबर को डिवाइड करते हैं या किस नंबर से डिवाइड करते हैं कि जो रिमेनिंग नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऑल्सो फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेंड। तो ये 1100 जो नंबर है, इसके हम फर्स्ट वन फैक्टर्स फाइंड करते हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में वो फैक्टर क्या है। यहाँ वन से में जीरो है, तो ऑब्वियसली टू से स्टार्ट तो हो गई होगा, तो टू से डिवाइड होगा, टू फाइव या टेन, वन रिमाइंडर रहा, फाइव या टेन, टू टू जा फोर, टू सेवन जा फोर्टीन, टू फाइव या टेन। अब देखिए, फाइव जो है वो वन से मेज है, या तो थ्री से डिवाइड हो सकता है, तो सम करते हैं, टू प्लस सेवन नाइन, नाइन प्लस फाइव फोर्टीन, फोर्टीन नॉट डिवाइडेड बाय थ्री, फोर्टीन जो है वो थ्री से डिविजुअल नहीं है, दैट वन फाइव पर आते हैं, 1100 जो है, इसके आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं। वन मिनट सर, 1100 जो है, इसके अगर आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो आप देखते हैं कि 1100 के जो फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपको 2, 2, 5, 5 और 11। ठीक, तो एक्स्ट्रा जो फैक्टर है वो एक्चुअल में क्या है, 11 है। भाई आप देखिए, ये 2 है, ये 2 है, ये तो पेयर में जा रहा है, ये भी पेयर में जा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको डिवाइड कर दें तो वो क्या होगा, वहां से क्या होगा, जो रिमेनिंग नंबर होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो फर्स्ट वन देखते हैं, यहां पर टू मेक दिस नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर देन वन दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 11। सर, 11 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो जो न्यू नंबर होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपका क्वेश्चन पूछा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप देखते हैं यहां से कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा 11 से डिवाइड होने पर आपको स्क्वायर रूट मिलेगा इसका 2 into 5, क्योंकि ये रिमूव होगा, देन वन आंसर आपको मिलेगा 10। 10 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट होगा। मींस जब आप देखते हैं आपने क्वेश्चन में कि जो 1100 ऐसे 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 बन जाए 11, और आपका 20 है, और 100 जो होता है ये स्क्वायर होता है किसका, स्क्वायर होता है आपके 10 का, और 100 का स्क्वायर रूट एक्चुअल में क्या होता है, 10 होता है। इतना क्लियर हो रहा है? चलिए, मींस क्या किया हमने कि इस नंबर को अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किस नंबर से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, दैट वन जो रिमेनिंग नंबर बन रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका, 10 का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक्चुअल में आपका होमवर्क होगा, बट मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है आपका द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज, प्लॉट इज दिस वन, दिस फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द प्लॉट। सर, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग 7546 डिवाइडेड बाय 49 स्क्वायर मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर होगा। सर, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है आपको और फाइंड कर रहा है क्या साइड,
फाइंड अगर साइड लेंथ ऑफ साइड फाइंड करा रहा है तो वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। तो एक्चुअल में आपने साइड अगर एक्स सपोज कर लिया, साइड का अगर एक्स सपोज कर लिया तो आपका क्वेश्चन होगा इन द फॉर्म एक्स इनटू एक्स इक्वल्स टू, इसको आपको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 74 × 49 + 46 / 49। और आप स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है और समथिंग इसका नंबर है, इसका हमें एक्स फाइंड करना है, मतलब इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। ये आपका होमवर्क है, आपको इसे प्रॉपर सॉल्व करना है। क्या करना है सर? गिवन है आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड करना है साइड, जो लेंथ है साइड की वो फाइंड करना है, और वी नो दैट एरिया इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। क्लियर? तो दैट वन अकॉर्डिंग टू दिस, इससे आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं। क्लियर है? थैंक यू ऑल ऑफ यू।